इंसान को कड़ी से कड़ी सजा देने में आप सब मेरा सपोर्ट करें। अगर मेरे पापा जी सुरक्षित नहीं रहे तो हम आप कोई सुरक्षित नहीं है। जब एक भगवान का भजन करने वाला को घर में घुस के मार सकता है तो हम आप तो किसी न किसी से उलझ जाते हैं। हम आप सेफ नहीं है सर, आज हमारे ऊपर से उनका साया हटा है। कल समाज में ऐसा कुछ ना हो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और उसको सजा दिलवाने में। पापा के गोली मारे आलन रे बउआ, हम चिची आए थे घरे पोता कल घर जोरे बउआ ए बुदिया बही ने कन्हैया के पापा के गोली मार दल के ने बुदिया बना। हम चिची आए थे गेली, हम जाए जाए ताले घूम दो मिनट के बाद में हम लोग को खबर आया हम लोग पहुँचे पापा जी नहीं थे। फिर प्रशासन को बुलाया गया, वो लोग छानबीन किए हैं कि वो तीन आदमी था, जो भी सीसीटीवी कैमरा है सब कोई ना कोई बहाना बना रहा है। पता नहीं सर के रूनी सैदपुर प्रखंड के गाढ़ा प्रेम नगर में इस वक्त मौजूद है। आपको दिखा दें कि यही वह मंदिर है जहां फूल शंकर ठाकुर पूजा अर्चना करते थे, इसी मठ में बैठा करते थे और जो भी लोग आसपास के जो लोग आया करते थे झाड़ फूक का भी काम किया करते थे। यही वह मंदिर है जहाँ पे फूल शंकर ठाकुर विगत 20-25 वर्ष से इसी मंदिर में फूल शंकर ठाकुर बैठते थे और आसपास के लोग यहाँ झाड़ फूक कराने आते थे। कल गुरुवार के दिन समय 2 बजे के करीब बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी आते हैं और महज फूल शंकर ठाकुर के घर के 100 मीटर आगे घात लगाए रहते हैं। ऐसा लोग बता रहे हैं कि अपराधी पूर्व से ही घात लगाए बैठा था और बीच में कई बार अपराधी फूल शंकर ठाकुर के घर भी आया और उनकी पत्नी से भी कहा कि मेरी बहन बीमार चल रही है, उसको झाड़ फूंक की जरूरत है, बगल में ही घर है, पंडित जी कहाँ हैं। पत्नी जो है बार बार मना करती है कि पंडित जी घर पे नहीं है, नहीं जा पाएंगे। उसके बावजूद भी वह अपराधी बार बार उनके घर आता है। समय 2 बजे का फूल शंकर ठाकुर अपने घर कहीं से वापस होते हैं, इसी दरमियान महज 100 मीटर घर से पहले उनको गोली मार दिया जाता है और उनकी हत्या हो जाती है। रूनी सैदपुर प्रखंड के गाढ़ा प्रेम नगर वार्ड नंबर 13 की तस्वीर है, जरा हम उस घर को भी दिखलाएंगे जहां फूल शंकर ठाकुर रहते थे और उनसे उनके परिजन से भी बात करेंगे। ये घटना का जो है घटना को अपराधी ने किस तरह अंजाम दिया है आपको दिखा दें कि फूल शंकर ठाकुर कोई बड़े संपत्ति वाले लोग नहीं थे, ये उनका घर है। इस घर की तस्वीर आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं, फूल शंकर ठाकुर का यही घर है और फूल शंकर ठाकुर का एक पुत्र है, एक पुत्री है, दोनों विवाहित हैं। यह तस्वीर फूल शंकर ठाकुर के घर की है। हम यहाँ उनकी पत्नी से भी बात करेंगे इस घटना को लेकर कि यह घटना किस तरह से हुई है। क्या नाम है? क्या हुआ घटना सर हुआ थी, पंडित जी 10 बजे चले आए ना, तो आइलैंड हम कल हम कल खाना लूट हम कल अभी न खेबे जेबे तो ना सवेरे हम कल खाना लूटिन जाए कुछ नाम के बउआ सब देखा सवेर हो जाए तो खा के आई पर बउआ नहीं तो इतना आदमी आए तो कहल झाजी कहाँ है वो आए तो कहे फूल शंकर ठाकुर के यही घर है। तो हम कल कितना लोग अकेले उठा पहले था गाड़ी में नंबर कुछ नहीं था इसी जगह गाड़ी लगाया कहा है तो हम पहले जे क्या बात है जो बोले ना जही जब बोलिए है तो बाबा चलिए चलिए हमको काम है आपसे। हम बोले बाबा नहीं जाएगा जो काम है से बोलिए बाबा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो ठीक है हम जाते हैं। तब जाके फिर कहते ठीक है हम अपना बहन के लाए हैं तो बाबा कहाँ चले तो ऊपर चले तो हम तो हमका श्रीमा तर बैठ गए रहिए तब हम कहे यहाँ ना जाओ है गोली तोली मार देते खान मुँह लग जाए ना कहे हमको फ्रिज के पानी पीना है कंठ सूखता है फला चीज करता है। हम कहे यहाँ फ्रिज के पानी नहीं मिलेगा मोटर के पानी पिएगा तो पिए ना तो कल ही जाइए तो नहीं तब अथी बाबा आया है तो हम कहे रास्ता में कहूँ आता है जहिना से वो निकलने कल के चलो रास्ता में काम हो जाएगा तहिना हमारा अपना मन में बुझा गए तो कहे बउआ रे जानी पापा के गोली मारे आल रे बउआ हम चिची आए थे घरे पोता कल घर जोरे बउआ ए बुदिया बही ने कन्हैया के पापा के गोली मार दल के ने बुदिया बना। हम चिची आए थे गेली हम जाए जाए ताले हुनका गोली मार के
बहन हमारी बीमार है। हाँ तो उसके बहन दिया नकाता है, जब बिश्नाथपुर में लाए हैं, बिश्नाथपुर चलिए, हम पहले बिश्नाथपुर में नहीं जाएंगे, मुसलमान इसी ऐसे दाढ़ी उसको तंग करता है जबर। अब पादरी आ उज्जर शर्ट पहन देता, आ एगो ज्ञाथी में दूधी रंग के काई रंग के शर्ट पहन देता, मुंह नहीं बदला था ना, मुंह नहीं कुछ नहीं बनने था, वही ना खूब मोटे मोटे था, आ एगो पतला था जे जो वो उसको पसीना से पूरा दे बोलता है पूरा दे। एक बार दो एक बार पंडित जी भेंट होया, आ दो एक बार में फिर नहीं भेटा, फिर दोबारा में नहीं भेटा, केना जब भेंट होया मार के जी। आपको किसी पर शक है? सर हम साहब के खिलाफ करते हैं, अपने हुनकर अथी हो जाते तो अपने। अच्छा ये भी पता चला है कि कोई जो है किसी व्यक्ति का इससे पहले जो है कोई झाड़ फूंक कराने आया था और उसी दरमियान जो है झाड़ फूंक के बाद जो है उसकी माँ मर गई, उसको ऐसा लगा कि शायद जो है पंडित जी के झाड़ फूंक से होता है ना, ना ये बात उसको माँ के, उसको माँ के तो कैंसर की बीमारी था। कौन क्या नाम है? उसका नाम है अनीता, अनीता और उसका बेटा का नाम एगो के अंशु है, एगो के अंकित है, अकरा घर वाला के कन्हैया नाम है, उसको घर है हरपुर और सब रहता है बम्बई में। और उसको से तो हमको बजाबू की नहीं था, उसको नेपाली काका जी मर गया तो नेपाली काका उसको बजाया झाड़ फूकने के लिए, हमरो से उसको तो बजे भूखी नहीं, हम सबसे नहीं है, हमसे उसको गुजर दीजिए, उसको भाई गुजर गया, बाबू गुजर गया, इतना बहन के शादी हुआ, हमको खान पीन कुछ नहीं सर था उसको से जी नहीं था। तो किसी बहाना सब के नाम मारते थे भगवान जनते, मगर हम सब नाम न खुलले ऊपर वाला के कृपा भेले। अब कितने बाल बच्चा है? हमरा एगो बेटा है, दोनों की शादी हो गई। हां मां दोनों की शादी हो गई, एगो पोता है एगो पोती है। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन जो है समय से आएगी नहीं? प्रशासन प्रशासन तो आएगा सर, आ गए प्रशासन समय से आया, तुरंत चलाया, उसमें गांव का लोग भी सपोर्ट बहुत किए कि कहां से कैसे हुआ है लिंक, वो सारा अपना काम से तभी पता चला है सर, नहीं तो हम सब कहां पता चलता, नहीं कोई आदमी बोलता, जो नहीं पकड़ा था पीने वाला आदमी तो थोड़ी पता चलता, हाँ तो पिए वाला सब तो पता चल पता चला है, सही पकड़ा जो पीने के चक्कर में पकड़ाया है। झाड़ फूंक कब से कर रहे हैं? झाड़ फूंक नहीं करते थे, वैसे ही पूजा देते थे, भरोसा है कुछ है तो बाबा बाबूजी पूजा के अमर कर देखिन ना ससुर ना तब मर गेलखिन ना, तो कोनो अबे रहे तो कह देली जहां के बाबू देत रहल आहा दो तो बिहु देत, बस उसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सब विशेष यही बात है, ये बात है। झाड़ फूंक पहले करने आता वही पुजारी में अपना 50 साल से मंडित है, और बाबू जी किए, बाबू जी के बाद में हमारा बड़का भाई थे, वही आप ही इनके रिश्तेदार हैं, तो तस्वीर में आप देख ही सकते हैं कि रूनी सैदपुर प्रखंड के गाढ़ा प्रेमनगर वार्ड नंबर 13 की तस्वीर है, जहां फूल शंकर ठाकुर की कल दोपहर में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ जारी है, क्या कुछ होता है इन सारी खबरों पे हमारी नजर रहेंगी। सारी खबरों को विस्तृत रूप से देखने के लिए हमारे चैनल खबर सप्तक को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना न